मित्रों नमस्कार, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं गोवा से सचिन नायक जी। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉटअप तो गोवा में है, तो जैसे कि प्रोग्राम का नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी, तो हम जानना चाहते हैं आपसे ही आपका जन्म गोवा में किस क्षेत्र में हुआ, आप कहाँ पले बढ़े, आपके प्रेरणा कौन रहे हैं इस फील्ड के लिए। तो इस विषय में आप जो भी आप महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे वो अवश्य हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरणा देंगी। और इसी के साथ हम बात की शुरुआत करते हैं। मेरा जन्म 7 अक्टूबर 1978 पारपतीवाड़ा बांदोरा पोंडा गोवा एक छोटे से किसान परिवार में हुआ, जहां चारों ओर मंदिर, चर्चिस, नारियल के पेड़, काजू के पेड़ और चावल की खेतियां दिखाई देंगी। मेरा बड़ा भाई विष्णु नायक एक बड़ा आर्टिस्ट है, म्यूजिक टीचर है और मृदंग पखवाज अच्छा बजाता है और सिखाता है, भजन सिखाता है। उनसे मैं प्रेरित हुआ, इंस्पिरेशन मेरे बड़े भाई से ही मिला। मेरा बड़ा भाई मेरा 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद वो गोवा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट पणजी 1996 में मुझे एडमिशन करने के लिए लेके गए और 1996-2001 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ पेंटिंग में और प्रिंट मेकिंग में अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर हनुमान कामली सर, ओम प्रकाश सर, राजन फुलारी सर, उनके मार्गदर्शन में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद 2001-2003 में मैंने मास्टर डिग्री इन प्रिंट मेकिंग में की, वो भी ESN स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर श्याम सर, डीएलएन रेड्डी सर, वैशाली मैन एंड विराज नाइक सर, इनके मार्गदर्शन में मेरा मास्टर डिग्री हैदराबाद में हुई। जी सचिन जी, इतने सारे गुरुओं का आपको सानिध्य मिला, ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। अच्छा, अब हम काम की ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। आपके काम में जो सब्जेक्ट हैं वह ये एक्सप्रेशन है, लोग एक दूसरे से या मार्केट, भीड़ या बस स्टॉप, ये सारे चीज़ें सब्जेक्ट का जो भी आप चुनाव करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, आप कैसे तय करते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट पे काम करना है? मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हुआ हूँ। हमारे गांव में हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और मुझे लोगों के बीच में रहना, उनके सुख दुख में शामिल होना अच्छा लगता है। इसलिए कॉमन लोग, उनका जीना, उनका रहना, उनका सुख दुख, उनका मूड, इमोशन, उनका हाव भाव दिखाने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। जो लोग फिजिकली तो हमारे साथ रहते हैं लेकिन मेंटली वो लोग अपने दुनिया में व्यस्त रहते हैं, उनकी चिंता उनको सताती है, वो आइसोलेटेड रहते हैं। मैं मेरे प्रिंट में मार्केट, बस स्टैंड, मेला, ये सब्जेक्ट शुरुआती दौर में आपको दिखाई देंगे। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ और इसलिए उनके साथ ही रहता हूँ, इसलिए कॉमन लोग मेरे काम में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। जी सचिन जी, ये तो रहा आपके काम के विषय में बात। और हम प्रिंट मेकिंग में बहुत सारी विधाएं हैं जिन पे हम काम करते हैं, कई लोग एचिंग करते हैं, कई लोग लिथोग्राफ करते हैं, कई लिनो कट करते हैं। लिनो कट बेसिकली हम लोगों को जब हम कॉलेज में थे तब हमें फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता था, उसके बाद
शायद ही हम लोगों ने प्रिंट मेकिंग की क्लास में कभी गए हों, पर जब हम देखते हैं काम को तो बहुत रोमांचित करता है। अच्छा, दूसरा एक ख़ास बात कि आपके कामों में जो वुडन प्रिंट, वुड कट प्रिंट, उसका उपयोग अधिकतर है, तो उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, आप उस विषय में भी ज़रूर दर्शकों को अवगत कराइएगा। हर एक मीडियम का अपना अपना आइडेंटिटी और स्पेशलिटी है, ओन कैरेक्टर है। जैसे कि एचिंग, लिथोग्राफ, वुड कट। मैंने BFA MFA में बहुत एचिंग लिथोग्राफ में काम किया और एंजॉय भी किया। वुड कट मीडियम एक ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल सरफेस प्रिंट मेकिंग मीडियम है और इको फ्रेंडली है, क्लोज टू नेचर है और रिक्वायर स्मॉल स्पेस टू वर्क। आपको बड़ा स्टूडियो नहीं चाहिए काम करने के लिए, आपको चाहिए जस्ट वुड ब्लॉक, टूल्स, रबर रोलर, इंक, पेपर और स्पून, बस। वुड कट मीडियम एक अच्छा मीडियम है और उसमें मैं सहज रूप से मेरी भावना व्यक्त कर पाता हूँ। जब 2004-2006 में मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिली, तब से मेरी रुचि और बढ़ती ही गई। वुडकट को स्कूप आउट करना, काविंग करना, रोलिंग करना, इंकिंग करना, स्पूनिंग करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। लेकिन इंकिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंकिंग ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा इंकिंग हुआ तो उसका नेचुरल वुड गेट स्पॉयल और नेचुरल ग्रेन्स नष्ट हो पाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। वुडकट मीडियम एक ट्रेडिशनल मीडियम है और एशिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टेड इन गोवा इन 1556 जॉन गुल्डनबर्ग में स्टार्ट किया। यह इतिहास है और यह कला जीवंत रखने के लिए मैं मास्टर होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वुडकट करना पसंद करता हूँ, ताकि यह कला जीवंत रह पाए। बिल्कुल सचिन जी, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, क्योंकि एक ट्रेडिशन को बचाए रखना ये आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और उसके साथ ही हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपके काम में जो सब्जेक्ट है, जैसे कुछ एक चीज़ों में आपने कुछ एक्सप्रेशन फॉलो किए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट किए हैं, तो क्या वो आपसे जीवन के से संबंधित है, उस विषय में भी ज़रूर अवगत कराइए। माई लाइफ इज माई सब्जेक्ट, मेरा जीवन ही मेरा सब्जेक्ट है। मेरे अंदर की भावना, इमोशन, मूड, सुख दुख, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा चलना उठना बैठना, मेरा सराउंडिंग, मेरे जीवन की अच्छी बुरी घटनाएं घटी हुई है, यही दिखाने का प्रयास करता हूँ और मेरी स्टोरी नैरेट करता जाता हूँ। जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, एगनी, एक्सटेसी, सौरो एसेट्रा, इसलिए मैं बाहर का सब्जेक्ट नहीं लेता हूँ। जी, ये स्वयं के अंदर ही इतने सारे चीज़ें हमारे आसपास घटित होती हैं, वह अपने परिवार में होती हैं, उन्हीं चीज़ों को लेके हम चाहे तो बहुत सारा कुछ अपने चित्रों में, अपने प्रिंट्स में, अपने स्कल्पचर में बना सकते हैं, अपना एक आइडेंटिटी बना सकते हैं उसी से। और जो कि हमारे सामने सचिन जी प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार स्वयं को लेके काम किया हुआ है कई सारे विषयों पर और कई सारे एक्सप्रेशंस को लेके, तो हम जानना चाहते हैं सचिन जी, अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं, वह आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं, वह पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, उनको जीवन में मोटिवेट कर सकते हैं, प्लीज़ उनके लिए आप दो शब्द में ये बात रखिए। आप कौन सी भी कला चूज करो, फॉर एग्जाम्पल डांस, म्यूजिक, थिएटर, विजुअल आर्ट, राइटिंग, अपने आप को विश्वास होना चाहिए,
आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कला एक साधना है, तप है, आपको निरंतर कला की सेवा करनी चाहिए। विदाउट लूजिंग होप एंड पैशन एंड डेडिकेशन देन देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आपको 20 साल 30 साल निरंतर कला की सेवा करनी चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कला ही आपको पहचान देगी। नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग देगी। लाइफ इज लाइक अग्नि परीक्षा, आर्ट इज लाइक अग्नि परीक्षा। लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स कम्स इन योर लाइफ, बट डोंट लूज योर होप, हैव अ पैशन ऑन यू एंड योर आर्ट, देन देयर विल बी सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपके इस मोटिवेशनल बातचीत के लिए, आपके ये जीवन के अनुभव, आपके वर्क्स एक्सपीरियंस, आपके काम के विषय में जो बातचीत आपने रखी उसके लिए। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातचीतों से उन सभी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है जो कि अभी अभी फील्ड में आए हैं, वह आ रहे हैं, वह पढ़ रहे हैं। तो वो सभी दर्शक जो इस वीडियो में या इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों से, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स के ज़रिए हम आप रिएक्शन है हम उससे समझ पाते हैं, और हम अगले वीडियो में व कोई भी ऐसे प्रश्न जो आपके मन में हो आप ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए लिखिए, ताकि हम आगे आने वाले आर्टिस्टों से उस प्रश्न का उत्तर ले सकें। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।